हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर में मेडिसिन केमिस्ट्री सेकंड सब्जेक्ट जो कि है हमारा, और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे एल्काइलेटिंग एजेंट्स, यानी कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट एंड एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। वो हमारी इस सब्जेक्ट की फर्स्ट वीडियो थी और ये यूनिट फर्स्ट का सेकंड पोर्शन हमने स्टार्ट किया है। तो यूनिट फर्स्ट में सेकंड पोर्शन में हमारी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है। वो वाली वीडियो यदि आपने ना देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, आपके लिए अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एल्काइलेटिंग एजेंट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सीएन सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपके लिए पसंद आए तो लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियो के जो जल्दी जैसे जल्दी जो चैनल का ग्रो हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट बेसिकली इसमें जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट्स में हमारी जो क्लासिफिकेशन था उसमें जो है सब कैटेगरीज हमारी फाइव टाइप्स की थी। तो उसमें हमारी फाइव टाइप्स में ही जो है फर्स्ट है हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट्स। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स जैसे कि नाम में ही आ रहा है, एल्काइल चेन होगी इसमें हमारी एक, जैसे कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स बाउंड टू डीएनए आरएनए ऑफ सेल एंड क्रॉस लिंकिंग बिटवीन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ब्रेक द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जैसे कि दे कैन नॉट बी रिप्लीकेटेड, दिस एल्टर डीएनए एंड सेल फंक्शन अनेबल टू डू एट लीस्ट सेल डेथ, जिससे कि जो है उसमें हमारी सेल की डेथ होगी। और बट नॉर्मल सेल में आल्सो भी अफेक्टेड, और जो इसमें नॉर्मल सेल होगी वो अफेक्ट होगी। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट, एल्काइलेटिंग एजेंट्स आर केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं एंड दैट इजिली जो कि इजिली फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं विद न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है, एंड आल्सो विद सेलुलर कंपोनेंट्स, और जो जो हमारे जो सेलुलर कंपोनेंट्स विच कंटेन जैसे कि OH ग्रुप हो गया हमारा, कॉमा NH2 ग्रुप एंड CWH ग्रुप, ये हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जैसे इसी के एल्काइलेटिंग चेन के और या फिर एल्काइलेटिंग एजेंट्स के। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो है एल्काइलेटिंग एजेंट्स में जो हमारा सबसे पहला ग्रुप जो सब क्लासीफाई किया गया है, तो उसमें हमारा सबसे पहला है नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो बेसिकली नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या होता है, नाइट्रोजन मस्टर्ड आर साइटोटॉक्सिक कीमोथेरापेटिक एजेंट्स है दैट आर सिमिलर टू मस्टर्ड गैस, जो कि सिमिलर टू मस्टर्ड गैस हमारे लिए जो है देता है। देन इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर बाई बीटा एल्काइल एमाइंस, यानी कि जिसमें क्या होगा हमारी एक बाई एन मतलब दो बीटा हेलो एल्केन एल्काइन होंगे एंड उसकी जो है अमाइन ग्रुप्स होगा हमारा एक, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ये दिख ही रहा है नाइट्रोजन मस्टर्ड का, जैसे कि इसमें ClCl यानी कि दो हेलोजन्स हैं एंड ये बीटा है हमारा, ये हमारा अल्फा है और ये भाई यानी कि यहाँ पर भी बीटा, ये भी बीटा और ये हमारी एक एल्काइल चेन है और ये हमारा ये इसमें अमाइन ग्रुप्स है। ठीक है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन मस्टर्ड में हमारी फर्स्ट ड्रग आएगी तो वो है हमारी मैक्लोरोइथामाइन। तो मैक्लोरोइथामाइन जो हमारी ड्रग है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारी जो है स्टार मार्क ड्रग है, यानी कि इसकी सिंथेसिस वगैरह भी जो है इम्पोर्टेंट्स है। तो मैक्लोरोइथामाइन जो है इज द फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड है, यानी कि ये जो फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड है इट इज हाईली रिएक्टिव, और ये हाईली रिएक्टिव भी है। इट इज गिवन बाय आईवी रूट, इसके लिए जो है आईवी रूट से हम दे सकते हैं बिकॉज इट इज म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेंट, क्योंकि इससे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इरिटेंट होती है, इसकी वजह से इसके लिए हम आईवी रूट से ही देते हैं और जो है ओरली नहीं दे सकते। ठीक है, और मैक्लोरोइथामाइन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, जैसे कि ClCl यानी कि दो हाइड्रोजन होंगे एंड CH2 एक सॉरी उसकी चैन होगी, एल्काइल चेन होगी एंड फिर जो है एक अमाइन ग्रुप होगा हमारा इसमें। इट इज आल्सो नोन एज मस्टीन, इसके लिए हम मस्टीन भी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार ऑफ मैक्लोरोइथामाइन, यानी कि मैक्लोरोइथामाइन का सार क्या है और एल्काइलेटिंग एजेंट, जैसे कि मैक्लोरोइथामाइन का हमारा स्ट्रक्चर बेसिकली बहुत ही सिंपल है, इस तरह से है जैसे कि ये, और इसमें जो है एक इथाइल चेन है, इथाइल चेन होगी हमारी एंड एक जो है नाइट्रोजन ग्रुप होगा एंड अमाइन ग्रुप्स होगा
और जो है एक जो हैलोजन्स ये हमारे वो तो प्रेजेंट है ही इसमें, वो आपके लिए जो स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसकी मतलब पॉइंट्स के बेसिस पर, जैसे कि सार के लिए किस तरह से पॉइंट्स में पॉइंट के बेसिस पर डिफाइन किया गया है, तो बेसिकली इथाइलिन मोइटी जो हमारी है वो बिटवीन में है, बिटवीन है एन एंड सी एल के, यानी कि नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के, इसेंशियल जो कि इसेंशियल है फॉर एक्टिविटी के लिए टू फॉर्म एजिरिडियम आयन्स। ठीक है, नेक्स्ट मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन द इथाइलिन मोइटी, यानी कि इथाइलिन की जो मोइटी है वो इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, डिक्रीज द सॉरी हाँ इंक्रीज और डिक्रीज इन द इथाइलिन मोइटी डिक्रीज द एक्टिविटी, जब हमारी एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी तो इथाइलिन की जो मोइटी है वो इंक्रीज होगी और डिक्रीज भी होगी, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। नेक्स्ट हैलोजन अदर देन सी एल डिक्रीज, यानी कि हैलोजन अदर देन क्लोरीन डिक्रीज होगा, यानी कि सी एल के लिए अगर हम जो अदर देन क्लोरीन डिक्रीज होगा द एक्टिविटी उसकी जो है डिक्रीज होगी। एंड मिथाइल ग्रुप कैन बी रिप्लेस, यदि हम इसमें जो मिथाइल ग्रुप हमारा लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप के लिए यदि हम रिप्लेस करें तो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप्स, तो जो है बाय इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप से तो जो उसकी जो एक्टिविटी सॉरी एक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, एक्टिविटी घट जाएगी सॉरी, यदि मिथाइल ग्रुप के लिए जो है रिप्लेस करेंगे तो उसकी एक्टिविटी घट जाएगी। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे इसकी इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोरम ब्यूसिल कॉमा मेलफलम मेलफलम। ठीक है, एंड फिफ्थ इसका पॉइंट है अमाइन ग्रुप इज नेसेसरी, इसमें जो स्ट्रक्चर में अमाइन ग्रुप लगा हुआ है वो नेसेसरी है फॉर एक्टिविटी के लिए, अदरवाइज एक्टिविटी डायमिनिश, यदि वो ग्रुप हट जाएगा तो उसकी एक्टिविटी है वो डायमिनिश हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि मैक्लोराथामाइन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस तरह से है तो उसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे कि इट इज द ड्रग वेरी रिएक्टिव, ये ड्रग है जो है वेरी रिएक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्लोराथामाइन फॉर्म एजिरिडियम आयन फॉर्म करेगा, एजिरिडियम आयन बनेगा एंड विच एल्काइलेट द कंपोनेंट ऑफ डीएनए। आफ्टर दैट इसके बाद जो मैक्लोराथामाइन एल्काइलेट होगा द डीएनए एट सेवन पोजिशन ऑफ ग्वानीन, आफ्टर दैट ग्वानीन मेक अब नॉर्मल बेस पेयर विद थायमिन। ठीक है, एंड इट इज आल्सो कॉज ओपनिंग ऑफ इमिडाजोल रिंग इन द ग्वानीन, सो डीएनए सिंथेसिस स्टॉप ब्रेकिंग इन न्यूक्लियर एसिड अकर एट लीस्ट सेल डिवीजन स्टॉप एंड कैंसर जो है हमारा फिर उससे कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके यूसेज के बारे में बात करें, यानी कि मैक्लोराथामाइन का जो है यूसेज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो बेसिकली इसके लिए यूज होता है, इट इज यूज टू ट्रीट हॉडजकिंस डिजीज में एंड जो है कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में इसका हम यूज करते हैं, एंड टॉपिकली यूज टू ट्रीट टी सेल लिम्फोमा ब्लड कैंसर में इसका यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइकोसिस फंगवाइड्स में हम इसका यूज करते हैं, एंड आल्सो ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर में हम इसका यूज करते हैं, कॉमा मेटास्टिक कैंसर में भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज ए कैंसर दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टू अनदर, यानी कि कैंसर के जो स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में यही बताना था, अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।